ये बात है 19वीं सदी की, जब दुनिया के दो सबसे पावरफुल नेशंस USSR यानी सोवियत यूनियन और USA यानी अमेरिका के दरमियान कोल्ड वार का सिलसिला जारी था। और उसी कोल्ड वार के दौरान साल 1957 में एक नई रेस का आगाज़ हुआ और वो रेस थी चांद पर जाने की। हेलो दोस्तों, नॉलेज सिप की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 12 सितंबर 1959 ये दुनिया की तारीख का सबसे अहम दिन था, क्योंकि इसी दिन सोवियत यूनियन ने 5 अनसक्सेसफुल मिशन के बाद अपना पहला सक्सेसफुल मून मिशन लूना 2 लॉन्च किया और दुनिया का पहला देश बना जिसने मैन मेड स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड करवाया। इस मिशन के जरिए दुनिया को ये अहम बात पता चली कि चांद पर मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन बेल्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके कुछ ही साल बाद जुलाई 1964 को अमेरिका के नासा ने अपने 12 अनसक्सेसफुल मिशन के बाद पहला सक्सेसफुल मिशन रेंजर 7 लॉन्च किया। रेंजर 7 के चांद पर इंपैक्ट करने से पहले इसने सिर्फ 17 मिनटों में चांद की 4,308 फोटोज को कमांड सेंटर ट्रांसमिट किया। ये फोटोज जमीन से ली गई फोटोज से 1000 दर्जे बेहतर थी। और इसी फोटोज को नजर में रखते हुए आगे चलकर कई बड़े सक्सेसफुल मून मिशंस अंजाम दिए गए। रेंजर 7 मिशन के बाद 1969 में USA ने अपोलो 11 मिशन के जरिए 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लैंड करवाया था। ये साइंटिफिक दुनिया की बहुत बड़ी सक्सेस थी। अब तक चांद पर 12 एस्ट्रोनॉट्स को अलग अलग मिशंस के जरिए लैंड करवाया गया है और ये सभी मिशंस नासा के जरिए ही अंजाम पाए हैं। देखा जाए तो चांद पर जाने के मिशंस में कई बड़े मुल्क शामिल हैं, जिसमें से एक हमारा हिंदुस्तान भी है। इंडिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहला स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV नामी रॉकेट के जरिए सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया, जो 28 अगस्त 2009 तक ऑपरेशनल रहा। इस मिशन में ऑर्बिटर और एक MIP यानी मून इम्पैक्टर प्रोब का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ आपको बताती चलूँ, मून इम्पैक्टर प्रोब एक लूनार प्रोब है जो मून की सतह से टकराता है और सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्बिटर तक पहुँचाता है। अगर इसे आम जबान में समझा जाए तो ये एक नॉर्मल रॉकेट की तरह होता है जो कि किसी भी सरफेस पर हिट करता है। ऑर्बिटर चांद के अतराफ चक्कर लगाता है और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कमांड सेंटर को पहुंचाता है। 14 नवंबर 2018 को MIP ऑर्बिटर से रिलीज कर दिया गया और चांद के साउथ पोल पर शैकल्टन क्रिएटर के करीब हिट करवाया गया। शैकल्टन दरअसल चांद के साउथ पोल पर एक जगह का नाम है जो एंटार्कटिक एक्सप्लोरर एर्नेस्ट शैकल्टन के नाम पर रखा गया। MIP में काफ़ी सेंसर्स लगे होते हैं और जब MIP चांद की सतह से टकराया उस वक्त MIP में लगे सेंसर्स ने पानी को डिटेक्ट किया और इसकी इन्फॉर्मेशन ऑर्बिटर तक पहुंचाई। साइंटिस्ट के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग चांद के सरफेस पर 1.3 ट्रिलियन आइस होने के चांसेस हैं। इस रिसर्च का पता चलना हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी और गर्व की बात थी। इस मिशन की कॉस्ट 386 करोड़ आई थी। वैसे तो इस मिशन को 2 साल तक ऑपरेशनल रहने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑर्बिटर और कमांड सेंटर के दरमियान कम्युनिकेशन टूट गया, जिसकी वजह से इस मिशन को यहीं सक्सेसफुल्ली एंड करना पड़ा। उसके कुछ साल बाद जुलाई 2019 में इसरो ने अपना दूसरा मिशन चंद्रयान 2 को LVM3M1 नामी रॉकेट के जरिए लॉन्च किया। इस मिशन का मकसद स्पेसक्राफ्ट को चांद के सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड करवाना और वहां मौजूद आइस पर रिसर्च करना था। इस मिशन को 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार में ही अप्रूव किया गया था और इस मिशन को रशिया के साथ मिलकर लॉन्च किया जाना था, लेकिन रशियन गवर्नमेंट की तरफ से
कुछ खास रेस्पॉन्स ना मिलने पर 2015 में इसरो ने इसे खुद ही लॉन्च करने का फैसला किया और जुलाई 2019 में इसे लॉन्च किया गया। इस मिशन में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर का इस्तेमाल किया गया था। लैंडर का काम स्पेसक्राफ्ट को चांद की सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड करवाना होता है और रोवर एक व्हीकल है जो लैंडर में से निकलकर चांद के सरफेस को एनालाइज करती है। देखा जाए तो लैंडर और रोवर को साउथ पोल पर लैंड किया जाना था, लेकिन चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर चंद्रयान 2 में कुछ गड़बड़ी देखी गई और वो 6 सितंबर 2019 को अपने प्रेडिक्टेड पाथ से डाइवर्ट हो गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि चंद्रयान 2 चांद की सतह पर किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हार्ड लैंड हो गया, जिस वजह से ये मिशन सक्सेसफुल ना हो सका। इस मिशन की टोटल कॉस्ट 978 करोड़ आई थी और हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चंद्रयान 2 के इस अनसक्सेसफुल मिशन के बाद भी इसरो ने हार नहीं मानी और चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का फैसला किया। इसरो की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और साथ ही प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया गया था, जबकि चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि ऑर्बिटर की तरह ही चांद के अतराफ ऑर्बिट करेगा। इसको लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच कम्युनिकेशन के लिए रिले के तौर पर यूज़ किया जाएगा। बेसिकली प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम लैंडर को कैरी करके चांद के स्पेसिफिक एरिया तक ले जाना होगा। इसको बस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के तौर पर काम में लिया जाएगा। चंद्रयान 3 के मिशन का मकसद चांद के सतह पर लैंडर और रोवर को सक्सेसफुली लैंड करवाना और नेचुरल रिसोर्सेस जैसे कि लूनिक सॉइल और लूनिक वाटर पर रिसर्च करना है। कमेंट करके बताइए क्या भारत इस मिशन में कामयाब हो पाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नॉलेज सिप को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।